हाथरस सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों की इस दुख घड़ी में सरकार व प्रशासन सहित सभी प्रकार की मदद करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही 16 मृतकों के परिजनों को मंत्री, विधायक एदमातपुर और जिलाधिकारी ने आमलखेड़ा पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना देकर चेक प्रदान किए। हाथरस सड़क दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विधायक एदमातपुर डॉक्टर धर्मपाल, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने खंदौली के ग्राम पंचायत सेमरा वावलखेड़ा पहुंचकर ढांढस बंधाया तथा मृतकों के सुपुर्दे खाक में शामिल होकर परिजनों को सांत्वना दी। हाथरस में हुए दुखद सड़क हादसे में आगरा जनपद के ग्राम पंचायत सेमरा खंदौली के 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। सर्वप्रथम मंत्री महोदय व विधायक एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की तथा प्रिंसिपल एसएन मेडिकल कॉलेज व सीएमओ आगरा को उच्च स्तरीय इलाज के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज में ही दो गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार का चेक प्रदान किया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत सेमरा पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया व मृतकों के सुपुर्द खाक में शामिल होकर परिजनों को सांत्वना दी और इस गंभीर दुख की घड़ी में सरकार व प्रशासन सहित सभी प्रकार की मदद करने का आश्वासन दिया। 16 मृतकों में से 2 मृतकों को ग्राम पंचायत आवलखेड़ा में सुपुर्द खाक किया गया। मंत्री और विधायक एदमातपुर व जिलाधिकारी ने आवलखेड़ा पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना देकर चेक प्रदान किए। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।